सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों तक पहुंच गई। दुखद बात यह रही कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां चला दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चुनाव अभियान के लिए जा रही मोदी की रैली में विरोध जताने जा रहे युवाओं को रोका गया। यूपी में भी अभियान के खिलाफ नारेबाजी की गई। एक युवक ने आज रोहतक के पीजी हॉस्टल के रूम में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक का नाम सचिन था। वो चिंत जिले के लिजवाना गांव का रहने वाला है। सेना भर्ती की नई पॉलिसी अग्निपथ लाने से परेशान था। परिजन ने बताया कि सेना की भर्ती कैंसिल होने और 4 साल की स्कीम वाली अग्निपथ योजना आने से दुखी होकर सचिन ने यह कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।